अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बहन भाइयों, अमल शुरू करने से पहले अल्लाह पाक आपकी तमाम मुश्किलें आसान करे, अल्लाह पाक हमेशा आपको कामयाबी अता फरमाए। मदरसा फातिमा तुस्सहरा लिलबनात की अल्लाह पाक इज़्ज़त रखे और आपकी मुश्किल आसान कर दे। जो भी ये अमल करें अल्लाह पाक उसका ये अमल कबूल कर ले, उसकी परेशानियाँ दुख तकलीफ़ें ख़त्म कर दे, आमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस शुरू करते हैं अमल शुरू करने से पहले। जिसका वुजू नहीं होगा वो कौन लोग होंगे? जो शख्स वुजू के करने से पहले या शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम ना ले, यानी बिस्मिल्लाह ना पढ़े, तो उसका वुजू नहीं होता। इस मुबारक हदीस से ये भी ज़ाहिर होता है कि जब भी हम अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, यानी जैसे ये लफ्ज़ है कद शगाफ़ा है हुब्बा, हुब्बन भी लोग पढ़ते हैं हुब्बा, तो तब भी हमें जब भी अल्लाह का कलाम पढ़े, कुरान पाक पढ़े, अमल शुरू करें, तो हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ज़रूरी है। अमल अपने प्यारे को पाने का अमल है, अपने प्यारे को पाने का ये नक्श है। जिन लोगों को अरबी पढ़नी नहीं आती वो ये नक्श तैयार कर लें। नक्श जब तैयार करें रात को इशा की नमाज के बाद, आप ये नक्श तैयार करें, नक्श तैयार करके अपनी बाजू पे बांध के जिक्र, बेशक आपको पढ़ना आता है या नहीं आता, तो अगर जो मुस्लिम बहन भाई हैं वो तो पढ़ लेंगे, जिन्हें नहीं आता जैसे इंडियन बहन भाई होते हैं, या इस तरह जैसे हमारे पास बहुत से इंडियन बहन भाई भी आते हैं, बाहर के मुल्क के भी आते हैं, जो ईसाई भी होते हैं, बहुत से ऐसे लोग जैसे सिख भाई भी बहनें भी आती हैं, तो वो लोग इनको नहीं समझ सकते ना, इन अल्फाजों को, तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं, तो अल्लाह पाक उन्हें भी मुसलमान करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये वो नक्श तैयार कर लें, यहाँ पर इसमें अपने प्यारे का नाम लिख लें, जो भी जिसके लिए भी अमल कर रहे हैं ना उसका सिर्फ नाम लिखे और बाजू पे बांध लें, ठीक है। 5 दिन अमल करना है, नक्श एक ही बांधना है, 5 दिन बंधा रहे। जो अमल जब मैं समझाने लगी हूँ वो बहन भाई भी नक्श बांध सकते हैं, लाजिम नहीं है, अगर बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्रॉप करके फ़ोटो कापी करवा लें। ज़कात इसमें है, ज़कात जब आपका अमल कामयाब हो जाए, आपका प्यारा आपको मिल जाए, तो फिर मस्जिद में कोई मीठी चीज़ बनाकर तकसीम करवा दें, बच्चों में करवा दें, घर में मीठा बनाकर वो तकसीम करवा दें। वक्त इसमें जो वक्त है वो दिन का रख लें, रात का रख लें, ज़्यादा बेहतर रात का है, बस सोना है, दिन में सो जाएं, रात में सो जाएं, पर सोना है। बिस्तर पर, ये देखिए बिस्तर पर लेट कर ये अमल करना है, बात नहीं करनी किसी से भी, बात नहीं आप करेंगे दिन में, जो भी रखें तो बेहतर इतवार का दिन है, इतवार के दिन करें, इतवार के दिन से शुरू करें, दुरूद पाक इसमें 3 दफ़ा पढ़ें। जब दुरूद पाक पढ़ लें, कद शगाफ़ा हुब्बा को पढ़ना है आपने कितनी मरतबा? सिर्फ 21 मरतबा, ठीक है। कद शगाफ़ा हुब्बा को कितनी दफ़ा पढ़ना है? 21 मरतबा, सिर्फ 21 मरतबा आपने पढ़ना है, ठीक है। और आपने दुरूद शरीफ़ जो सा है वो 3 बार लाजिम पढ़ें, नमाज की पाबंदी करें, नमाज में कोई गुंजाइश नहीं है कि आप छोड़ दें। अमल की जो तादाद है वो 101 मरतबा, अमल की जो तादाद है 101 मरतबा। अब ये 21 मरतबा कद शगाफ़ा हुब्बा, 21 मरतबा अमल जो है, जो आप बहन भाई हैं, बहुत से ऐसे बहन भाई होते हैं जो एक पूरी तस्बीह नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जैसे हमारे पास दुबई के बहन भाई आते हैं, जैसे अमेरिका, यूके, ये बड़े ममालिक से आते हैं, बाहर की कंट्री से आते हैं, उनका ये कहना होता है कि आप ही जान हम ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि वो जॉब करते हैं, तो बड़ी वाली तस्बीह छोड़ दें, छोटे वाली तस्बीह कर लें आसानी के लिए, पर जब तस्बीह कर रहे हों बिस्तर पर लेट कर करें,
और सोना ज़रूरी है। नक्श दिन में बना लें, बाजू भी बांध लें, अमल कर लें। एक बहुत प्यारा अमल सिर्फ आपके प्यारे को पाने के लिए। मियाँ बीवी के मामले में भी ये अमल किया जा सकता है, गुस्से और नफ़रत को ख़त्म करने के लिए। कोई ऐसे बहन भाई हैं जिन लोगों ने आपस में एक दूसरे को ब्लॉक किया होता है या बंद किया होता है, स्टॉप किया होता है, तो उनके लिए एक ख़ास तरीका ये है, 21 मरतबा ये लफ्ज़ पढ़ें, नक्श बाजू पे बांध लें और ये अमल करने से पहले ना तस्वीर को 10 मिनट देख लें, तस्वीर को 10 मिनट देख लें। जब ये 21 मरतबा पढ़ लें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के बाद, तो इसके ऊपर तस्वीर पर दम कर दें, समझें ये तस्वीर है एक, ठीक है, तस्वीर पर दम लाजिम है। तो ये तस्वीर है तो आपने इसके ऊपर दम कर देना। दम का मतलब होता है फूंक मार देना, फूंक मार देना, दम कर देना, जैसे छोटे बच्चों को दम किया जाता है, ठीक है, वैसे आपने करना है। तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पे रखें, जब वो रब है, दिलों को बनाने वाला रब है, मोहब्बत पैदा करने वाला रब है, अपने दिल में तवक्कुल अपने रब का रखें, मेरे रब ने इसको पूरा कर देना है। ये तस्वीर पे जब हम दम करेंगे तो उस तक आवाज़ पहुँच जाएगी, ये मेरे रब ने पूरा करना है। आप सिर्फ अमल करें, अमल से इंशाल्लाह आपकी कामयाबी होगी। 3 दिन पहले ये अमल करें, आपका प्यारा जब आपसे बात करने लग जाए ना, तो फिर कम से कम 7 दिन पूरा कर लें, फिर 7 दिन ही अमल कर लें, अमल में कामयाबी आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ अपनी प्यारी बहन को इजाज़त दें, कोई बात समझ नहीं आती 1000 दफ़ा पूछें, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। नक्श बनवाना है बता दीजिएगा, नक्श भी बना दिया जाएगा, लेकिन अपने हाथ से लिखे ज़्यादा बेहतर है। देखें अमल कम से कम 3 दिन, शुरू में 3 दिन करें, प्यारा बात करने लग जाए 5 दिन कर लें, प्यारा बात करने लग जाए 7 दिन कर लें। ये आपके ऊपर है कितनी आप मोहब्बत चाहते हैं, कितनी आप अपने अपने प्यारे से उम्मीद रखते हैं, कितना वो आपसे प्यार करता है, तो उस हिसाब से ये अमल कर लें, ठीक है। अमल के बाद अगर कोई बात ना पसंद आए और कोई बात बुरी लगे तो बहन को माफ़ कर दीजिएगा। अगर पसंद आए, इस्तखारा रूहानी इलाज करवाना चाहते हों तो बहन को याद कर लें, मैं आपके ज़रूर साथ दूंगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं या अमल करवाना चाहते हैं या अमलियात सीखना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक ऐप पर आकर आप फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर हमसे बात कर सकते हैं। जो भी मसला परेशानी है उसमें ज़रूरत आपका नाम, आपकी वालदा का नाम, सिटी, कंट्री मौजूदा और मसला बयान, ये चीज़ें बताकर आप अपना इस्तखारा भी करवा सकते हैं। जज़ाकल्लाह। और अगर आपने इस्तखारा करवाना है तभी रब्ता करें, अगर इस्तखारा नहीं करवाना तो ये दीन है, ये कोई फ़न या एंटरटेनमेंट नहीं है, अपना भी टाइम ज़ाया ना करें और मदरसे वालों का भी टाइम ना ज़ाया करें। आपकी वजह से बहुत से ऐसे लोग जो परेशान हाल घरों में हैं उनकी भी बात फिर नहीं सुनी जा सकती। जज़ाकल्लाह।